हेलो दोस्तों आप सभी बात करेंगे यहाँ पर चार स्टॉक के बारे में दोस्तों जिनमें यहाँ पर आपको बड़े धमाके अभी होते हुए नजर आएंगे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ट्राइडन टाटा पावर दोस्तों प्रिंस पाइप और आपको कहूँगा खास कर कर अशोक लेलैंड ये इसे चार स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंडिंग करना मैं बहुत ही कम वक्त में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइडन के बारे में अभी ट्राइडन में बहुत से लोगों के माइंड में आता होगा कि सर अपर सर्किट लग रहा है तो अभी इसमें क्या करना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा देखिए एक बात याद रखना अभी इस कंपनी में आपको जो है अपर सर्किट है ये कल दिखाई देगा इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा बोलकर क्योंकि देखिए कल आने वाले दोस्तों इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अभी यहां पर देखिए मार्केट को तो रीजन चाहिए दोस्तों इसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पर अपर सर्किट कंटिन्यू करेगी और थोड़ा बहुत भी कम आ गए ना दोस्तों थोड़े भी कम आ गए ना तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी ये बात याद रखना कंपनी तो हो सके उतना आप कहूंगा नाइन्टी परसेंट इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे 10 परसेंट भी आ गए ना वो थोड़ा रीजन चाहिए स्टॉक को गिरावट के लिए ये मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूं कि आप पहले से अपडेट रहे और आपको पता चले कि गिरावट होने के बाद भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि कंपनी लंबे समय के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ पर आपको कहूंगा हम तीन चार रुपए के प्राइस से इसमें खरीद कर बैठे तो हमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपनी वैल्यूबल है अब दोस्तों ये तो बात हो गई ट्राइडन के बारे में अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड अशोक लेलैंड में दोस्तों काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी क्योंकि कंपनी दोस्तों अपना जो ये लेवल है ये देखिए क्रॉस करने के लिए तैयार अभी स्टॉक तैयार है दोस्तों आप कहूंगा तो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट काफी बड़े तरीके से और यहां पर कम से कम दोस्तों एक सौ साठ रुपए का टारगेट अचीव करने का दम रखता है और लेटेस्ट अपडेट में भी देखेंगे दोस्तों आज भी यहां पर ऐसे ऐसे हो या यहाँ पर हम जैसे दूसरे भी ब्रोकरेज के बारे में बात करें उन्होंने दोस्तों यहाँ पर टारगेट दिए गए अशोक लेलैंड के तो डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी है और इसमें वैल्यू भी वैसे है ना तो निवेश करना सही है और मैं आपको कहता हूं जिनके पास है उनको फिकर करने की जरूरत नहीं है ये बात आप समझ चुके होंगे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें आप ट्रेंड की पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है अब यहाँ पर हम जैसे दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो इस कंपनी को आपको बिल्कुल ही बेचना नहीं चाहिए अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऐसे कितने ही रीजन आपको मिल जाएंगे जिसमें यहाँ पर पूरी तरीके से प्रेजेंट हो रहा है कि टाटा पावर डेफिनेटली परफॉर्म करेगी और यहाँ पर आज भी दोस्तों ऐसी एक न्यूज आ चुकी है जो यहाँ पर मैंने पढ़ी भी और यहाँ पर आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे दोस्तों सोलार के बिजनेस में आप कहूंगा ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली इसके एडवांटेज आपको आने वाले समय में मिलेंगे और ये शेयर 500 के आप दोस्तों मैं आपको कहूंगा हजार के ऊपर चलने का दम रखता है बस आप कंटिन्यू करना डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेंगे और जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी कहूंगा बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों जब भी आपको सुटेबल लगे तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी प्रिंस पाइप की बात करें तो दोस्तों इसमें ब्रेकआउट अच्छा खासा भी बनने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए स्टॉक जो यहाँ पर अपना हाई लेवल है उससे यहाँ पर नीचे ही कहेंगे तो भी चल जाएगा और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो शेयर नौ सौ के करीब चलने वाला अभी भी यहाँ पर सात सौ यहाँ पर तीस के करीब चल रहा है तो प्रिंस पाइप में भी नजर रहनी चाहिए यह आप बनाएगा दोस्तों करीब यहाँ पर हजार के टारगेट इसके अपडेट में आ रहे हैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यहाँ पर पता हो क्योंकि आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए दोस्तों जो पता नहीं है क्योंकि मेरा काम है आपको अपडेट करना थैंक यू सो मच